मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, मैं अभी अहमदाबाद में बहुत ही कमाल की जगह पे आया हूँ, सो ये व्लॉग देखना मत भूलना। और मैं मेरे दो मित्रों के साथ हूँ, वो जैनम शाह और पृथ्वी पंचाल। सो गाइस, ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, सो देखना मत भूलिएगा। सो मित्रों, यूनेस्को ने अहमदाबाद सिटी को 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तरीके घोषित किया था। सो आज यहाँ पे दादा हरीर स्टेपवेल पे आए हैं। सो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। The stepwell was built in 1485 by Dada Harir, a household lady of Mohammad Begra, locally called as Dada Harir. It is built along a east-west axis, entrance is from the east. The two spiral staircases are in west near the well. It is octagonal, it eight-sided polygon in the plan at the top. Built in sandstone in Solanki architectural style. The well bears two inscriptions. One is Sanskrit on the south and one is Arabic on the north wall of the first gallery. Islamic architecture blends very well with the symbols of Hindu and Jain gods carved at various levels of the well. It costed 3 lakh at that time. At the level of the ground, it is 190 feet long and 40 feet wide. और ऐसे ही बने ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे और हम ऐसे ही हेरिटेज साइट पे बढ़िया एक्सप्लोरेशन और वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना।